ऐसा है सुबह सुबह घाटी का नज़ारा। ये है चौखंबा पर्वत, ये सामने आपको दिख रहा है। दोस्तों ये है बूढ़ा मनेश्वर का टॉप एरिया, और आगे पे है मंदिर, वो देख रहे होंगे आपको। आपको अभी भी चौखंबा की परछाइयाँ ताल में दिख रही होगी, और जब मौसम साफ रहता है पूरी अच्छे से परछाई आती है, पूरा लगता है ये बीच वाली जगह है ही नहीं। ना वेट अच्छा ही होता है। देखिए अभी थोड़ी सी धूप आ गई यहाँ पे। तो दोस्तों कल के अकॉर्डिंग आज बहुत ही तेज बारिश आ रही है, यानी कल आ रही थी उसके अकॉर्डिंग तो तेजी है, और वैसे भी आ रहा है क्योंकि बारिश काफ़ी तेज चल रही है, तेज लगी हुई है बारिश, पूरे शूज़ गीले हो गए। सब यहाँ पे रुके हुए हम, सबसे थोड़ी आपत्ति हो गई कि लोग जो यहाँ पे लोकल हैं वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे सब लोकल गाड़ी जाती नहीं है, इस बारिश में तो जाएगी नहीं, जाएंगी तो। दोस्तों वहाँ पर देख लो बर्फ़ पड़ रही है अभी अभी ताजी ताजी आज वहाँ ऊपर। तो अच्छा हुआ कि हम लोग आगे टाइम पे नीचे, वरना आज तो ठंडे से पूरे हाल हो जाते वहाँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो अच्छे होंगे। सो दोस्तों आ गए हम मधुमेश्वर के ट्रिप के सेकंड डे में, और पीछे आप देख सकते हैं मधुमेश्वर मंदिर, और हम ऊपर जा रहे हैं अभी पूरा मधुमेश्वर की तरफ। टाइम हो रहा है अभी 5:30। ऐसा है सुबह सुबह घाटी का नज़ारा, नीचे मधुमेश्वर टेम्पल, सामने कुछ पहाड़ बर्फ़ के साथ, और हम जा रहे हैं ऊपर बूढ़ा मनेश्वर की तरफ। चलिए चलते हैं। सो दोस्तों ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर तो चढ़ गए होंगे हम अभी ऊपर ऊपर नीचे से, और अभी बादल हट रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर हट रहे हैं, फिर आ रहे हैं, और अभी ऊपर एंड तक जाना है हमें। लोग भी हैं कुछ सामने जा रहे हैं। दोस्तों आ चुके हैं हम काफ़ी ऊपर, यहाँ पे से आप नीचे देखो तो वो है मधुमेश्वर, और सामने आपको दिखेगा आप चौखंबा का व्यू। ये है चौखंबा पर्वत, ये सामने आपको दिख रहा है। यहाँ पर इसके तीन पीक दिख रहे हैं, 1, 2 एंड 3, चौथा पीक नहीं दिख रहा है। दोस्तों ये है बूढ़ा मनेश्वर का टॉप एरिया, और आगे पे है मंदिर, वो देख रहे होंगे आपको मंदिर का टॉप दिख रहा है। और गाय भैंसे अभी यहाँ चल रही हैं बढ़िया, और ऋषि भी आ रहा है आराम से। पीछे जाता हूँ मैं मंदिर के पास, मंदिर दिखाता हूँ आपको बूढ़ा मनेश्वर का। अब पीछे से क्या ही प्यारा व्यू आ रहा है चौखंबा के, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है शायद से ऐसी जो बुग्यार होती है सो मधुमेजी, ये बूढ़ा मनेश्वर है, ये सबसे पास जहाँ पे से आपको ये दिखेगा चौखंबा, यहीं पर से आपको दिखेगा। सिर्फ हमारे सामने एक पहाड़ है, ये वाला पहाड़, इसके ठीक पीछे वाला पहाड़ी चौखंबा है, मतलब छोटी मोटी नहीं काफ़ी बड़ी बुग्याल है ये भी। वहाँ नीचे से उधर नीचे से स्टार्ट होते हुए कहाँ पीछे तक फैल रखी है इतनी बड़ी बड़ी बुग्याल। और ये बुग्याल जब इतनी बड़ी है तो जो हल भी इतनी बुग्याल है वो सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी बुग्याल, वो कितनी बड़ी होती होगी, मैं तो सोच रहा हूँ। वहाँ से भी इतना ही अच्छा व्यू आता है, होगा कह तो हूँ नहीं मैं अभी, बट इन फ्यूचर कभी ना कभी तो होगा जाना। यह ही प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ पे एक ताल, अभी बूढ़ा मनेश्वर का मंदिर, क्या ही सुंदर नज़ारा उधर भी, यहाँ चौखंबा का तो है ही प्यारा नज़ारा। सो बहुत ही अच्छा रहा कि हम सुबह सुबह आ गए, अदरवाइज अगर दिन में थोड़ी बारिश होती फिर धुंध लग जाती तो हमको ये नज़ारे नहीं मिलते, क्योंकि धुंध से सब पहाड़ ढक जाते हैं, फिर हमको सफ़ेद सफ़ेद कोहरा ही मिलता। सो बहुत अच्छा हुआ कि हम इस टाइम पे आ गए, बाकी अब थोड़ा वेट करता हूँ ऋषि आएंगे, फिर चलते हैं नीचे, फ़ोटो क्लिक करेंगे फिर चलेंगे नीचे। आपको अभी भी चौखंबा की परछाइयाँ ताल में दिख रही होगी, पर जब मौसम साफ रहता है पूरी अच्छे से परछाई आती है, पूरा लगता है ये बीच वाली जगह है ही नहीं, बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से परछाई मिलती है चौखंबा की हमको यहाँ पर। बट अभी मौसम बंद है इस वजह से अच्छा सा हमको व्यू पूरा मिल नहीं पा रहा है, बट जो भी है भाई साहब बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है यहाँ पे से लग रहा। इन चीज़ों को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, यहाँ पे ये आई का पता चलता है कितनी सुंदर लगती है ये जगह, पर ये सुंदरता तभी तक बनी रहेगी जब तक हम लोग इसको बना के रखेंगे। अगर हम यहाँ आके खुद से गंदगी करेंगे, प्लास्टिक वगैरह फेंकेंगे, तो
अभी तो नहीं, बट आने वाली जनरेशन कभी इस चीज़ को देख नहीं पाएगी, फील नहीं कर पाएगी। सो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अपने आसपास अगर किसी को करते हुए देखते हैं तो इग्नोर ना करते हुए, उनको क्रॉस ना करें, उनको बोलिए कि उठा के बैग में रख दीजिए और नीचे कहीं डस्टबिन में फेंक दीजिए। एटलीस्ट इतना हर कोई कर सकता है। अगर हम भरे हुए पैकेट को उठा के ला सकते हैं तो खाली पैकेट को ले जाने में हमको कोई भी थकान नहीं लगेगी, इतना तो श्योरिटी होती है। तो अगर आप लोग कभी आए तो कभी भी यहाँ गंदगी ना मचाए। बाकी बहुत सुंदर है यार, फटाफट ऋषि आए, फोटो फोटो क्लिक करें, फिर चले पता चला तब तक यहाँ कोहरा लग रहा तो आफत आ जाएगी, तो ऋषि को आने में भी टाइम लगेगा। लेट्स सी, देखते हैं। ऋषि भी पहुंच गया आखिर। लगो भाई अभी तो खोल में तो मैंने कथा टाइम पहले पहुंच गया मैं तो वैसे। उस धूप का तो कोई आइडिया लग नहीं रहा कि अब आएगी, तो इस वजह से अब हम थोड़ा आगे तक जा रहे हैं कि उधर उस साइड को क्या क्या है। थोड़ा आगे चलते हैं उस तरफ, वहाँ ऊपर देखते हैं कि क्या है उसके पार। बोलते ना वेट अच्छा ही होता। देखिए अभी थोड़ी सी धूप आ गई, यहाँ पे थोड़ी सी धूप हम पे पड़ रही है। सो अगर खुला होता मौसम तो प्रॉपर आ जाती, पर अभी हल्के से बादल छटे तो धूप आ गई। जय श्री देव नमः। सो थोड़ी सी सही, बट आई तो सही धूप। बाकी अभी हम यहाँ पे बैठे हैं दोनों यहाँ पे, और चौखंबा के नज़ारे का मज़ा ले रहे हैं। फिर अभी जाएंगे थोड़ी देर में, 7:30 के बाद होगा, तो 7 नीचे के लिए निकलेंगे, आधे घंटे में तो पहुँच ही जाएंगे। सो अभी थोड़ी देर में निकलते हैं, तब तक थोड़ा आराम से देखते हैं इस नज़ारे को। सिल्ली से भी दिखता है चौखंबा ऋषिन के छत से, पर वहाँ से इतना सा दिखता है, यहाँ पर तो ठीक सामने इसके ठीक पीछे वाला ही। सो दोस्तों करीबन 1 यहाँ पे बिताने के बाद हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, वापस मंदिर की तरफ। सो हमारा अलविदा चौखंबा को, यहाँ पे से दोबारा आएंगे कभी। अभी चलते हैं नीचे, जैसे अभी चौखंबा के पीक पूरे ढक चुके हैं, 2 तो ढक चुके हैं, एक ही दिख रहा है, ऐसा हो जाता इसलिए हम सुबह में आ गए थे। और ये देखिए अपना नज़ारा, वाह, सारी गाय यहाँ पे अभी चल रही हैं। बोलो चलो तो चलते हैं, मिलते हैं आपको नीचे पे। सो दोस्तों थोड़ा नीचे आ गए, अब आप देख रहे हो एक तरीके से पूरे तरीके से बंद हो चुका है, अब धुंध से ढक चुका है चौखंबा। सो कुछ लोग अभी भी जा रहे हैं आप देखो तो, पर किस्मत उन्हीं की रही जो सुबह सुबह आ गए। सो दोस्तों आ गए हम नीचे, आप सुबह करवा, अभी आप देख सकते हैं शानदार चाय पी रहे हैं, भगवान तो चाय पीते हैं, फिर जाते हैं मंदिर में दर्शन करने, फिर नाश्ता करेंगे। तो दोस्तों चाय पी के अब हम निकल चुके हैं मंदिर के लिए, दोनों जाते हैं मंदिर में दर्शन करते हैं, फिर आके नाश्ता, फिर निकलेंगे नीचे के लिए। हाँ अच्छे भजन चल रहे हैं, वही वाला जो कल चल रहा था, ओम मंगलम वाला, कार मंगलम ओम मंगलम ओम कार मंगलम। दोस्तों कर लिए हमने दर्शन, अब जा रहे हैं वापस होटल की तरफ। अभी अभी निकला हुआ चंदन माथे पे हमारे, बिल्कुल ठंडक पहुंच चुकी है। अभी चलते हैं, अब खाते हैं, नाश्ता करते हैं, और इसके बाद इस मधमेश्वर घाटी को बाय बाय बोलते हुए निकलेंगे आज घर की तरफ। सो देखते हैं कितने टाइम में पहुँचते हैं। वैसे हमने उन भाई जी का नंबर ले लिया था जिन्होंने हमको यहाँ तक ड्रॉप किया था, उन्होंने कहा था अगर कल आओगे तो कॉल कर देना, अगर यहीं होगा तो मेरे साथ चल लेना। सो यहाँ तो टावर है नहीं, नीचे देखेंगे जहाँ पे टावर मिलेगा, तो चलते हैं अभी आगे। आधा दोस्तों मैं जब तक चेंज किया इसने मेरा आधा पराठा खा दिया। सो अभी हम खा रहे हैं आलू के पराठे, अचार और चाय आ रही है। सो खाते हैं पेट भर के, फिर निकलेंगे नीचे के लिए, रुकेंगे नहीं आज रास्ते में, सीधा नीचे ही रुकेंगे जहाँ हमने फर्स्ट टाइम चाय पी थी सबसे पहले कल,
वहीं रुकेंगे, बीच में तो मुश्किल ही रुकेंगे आज। तो खाते और निकलते हैं यहाँ पे से, बैग बुक मैंने पैक कर दिए हैं, निकलते हैं यहाँ पे सब खा के। तो लास्ट कर रहा तो दोस्तों फाइनली टाइम टू गो, छह पराठे खाने के बाद निकल चुका है। सो निकल रहे अब हम घर के लिए। भाई भूख, सुबह का खाना हमेशा अच्छा होना चाहिए और भरपूर होना चाहिए, पूरे रास्ते के लिए एनर्जी में निकलेगी हमको उसे, तो इसीलिए अच्छे से खाया मैंने। तो चलते हैं अब। बोतल से जाना पड़ी, बोतल समझ निधरी छोड़ तथा तो प्यास लगी। दिल खोली माया नीला। तो चलो मिलते हैं आपसे आगे। तो दोस्तों ये पीछे वो जगह जहाँ पे हम कल मैगी खाने के लिए रुके थे, यहाँ पे से मधुबनी से 5.5 किलोमीटर दूर है। तो ऑलमोस्ट हमने एक घंटे में 5.5 किलोमीटर कर चुके हैं अपना कंप्लीट। तो अच्छी खासी स्पीड से चल रहे हैं, ऐसे चलते रहेंगे तो अगले एक घंटे में हम आगे नीचे पूरा वो कर देंगे, पहुँच जाएंगे बस। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं हम गोंडार और अभी टाइम हो रहा है 11:40 और हम निकले थे वहाँ से 9:30 पे। तो काफ़ी ठीक टाइम पे हम नीचे गोंडार तक पहुँच गए। और जैसे गोंडार पहुँचे वैसे ही दोबारा बारिश लग गई, देखिए आप बारिश लग चुकी है गोंडार के हमें आते ही। सो अब जेल दिवस ये जो बचा हुआ 4 किलोमीटर है वो भी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद पहुँचेंगे हम सिरा ऊपर। तो दोस्तों कल के अकॉर्डिंग आज बहुत ही तेज़ बारिश आ रही है, यानी कल आ रही थी उसके अकॉर्डिंग तो तेज़ी है। और अभी हम बस पहुँच ही चल गए होंगे एक किलोमीटर, हाँ एक चल गए होंगे, अब 3.5 किलोमीटर बचा हुआ है। बारिश नहीं होती तो जल्दी चल लेते, बट ये बारिश हो रही तो फिसलन भी है, साथ में गीला होने का वो भी हो रहा है, इस वजह से आराम से चल रहे हैं, अदरवाइज हम ज़्यादा कवर कर लेते। तो अभी टाइम बताऊँ तो मैं टाइम हो रहा है आपका 12, एस्टिमेट मैंने 12:30 तो लगाया था, बट अब थोड़ा ज़्यादा टाइम लग ही सकता है हमको। तो देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं हम ऊपर रोड पे, इस भाई भी पीछे आते हुए चलते हैं। तो दोस्तों थोड़े आगे पे हम रुक गए हैं, वैसे भी आ रहा है क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ चल रही है, तेज़ लगी हुई है बारिश, पूरे शूज़ गीले हो गए अंदर। तो बारिश इतनी तेज़ है तो आराम से चलते हैं, क्या फ़ायदा अगर जल्दी जाके वहाँ पर भी, वैसे भी वहाँ भी खड़ा ही रहना है, तो यहाँ पर उस वजह थोड़ी देर रुकी जाते हैं, थोड़ा रश भी हो जाएगा, फिर निकलते हैं क्योंकि सब पूरा गीला ही हो रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था बारिश में चलने का। देख सकते हैं तेज़ लगी है बारिश, जैसे भी आ गया बारिश एकदम तेज़ तेज़ लगी हुई है, तो थोड़ा वेट ही करते हैं बारिश बंद होने को। बारिश का तो लगता नहीं रुकने का, इसलिए हमने निकाल दिया है अपना कलर ड्रेस कोट, बैग इसी में कवर कर दिया मैंने। तो निकलते हैं हम आगे, चलिए क्योंकि बारिश लग रही है बहुत तेज, ऐसे में तो टेंशन नहीं है, थोड़े थोड़े बचे जाएंगे ऊपर से। तो निकलते हैं, मिलता है वापस सीधा रोड पे, बारिश हो जा कम। चलो भाई तो पहुंच गया मूसा वाले झरने पे, जहाँ पे हम सोच रहे थे कल अगर बारिश नहीं आती, अच्छा सा मौसम रहेगा धूप वाला, तो जाएंगे थोड़ा सा नहाएंगे, साथ में एक दो रील बनाएंगे, पर आज तो कल से भी ज़्यादा बारिश हो रही है, तो यहाँ तो जाने का आज साल ही पैदा नहीं होता। फिर कभी और आएंगे किसी और मौसम में, जब मौसम ठीक होगा तब जाएंगे। पर जगह बहुत प्यारी है ये, आप देखो तो एकदम झरना एकदम बढ़िया से था, अगर यही देहरादून ऐसी कहीं जगह पे होते ना, ऐसी भयंकर भीड़ होती ना इस जगह पे, क्या ही बताऊँ। तो इस जगह पे इसलिए कुछ भीड़ नहीं है। चलो तो मिलते हैं हम आपसे। फाइनली दोस्तों ख़त्म होती हुई हमारी ये मधुमेश्वर की पैदल यात्रा, क्या सुंदरी हो रही है अभी वैली पूरी। सब यहाँ पे रुके हुए हम, सबसे बड़ी आफत ये हो गई कि जो यहाँ पे लोकल है वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे सब लोकल गाड़ी जाती नहीं है, इस बारिश में तो जाएगी नहीं, जाएंगी तो बुकिंग में जाएंगी। सब आ गई हम पे आफत की क्या करें, क्योंकि बुकिंग में तो यहाँ से बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा दो लोगों के लिए, क्योंकि छोटी गाड़ी चलती नहीं, ऐसे मैक्स चलती हैं यहाँ से, सो बुकिंग में हमको तो महंगा हो जाएगा। बाकी देखते हैं अभी थोड़ा वेट करते हैं बारिश कम होने का, तब क्या पता, क्योंकि कोई बाइक वाले भी जा रहे हैं सो उनके उनसे लिफ्ट ही ले लें हम। तो देखते हैं, तो सोच में पड़ते क्या करें। हैं क्या आइडिया, यात्री कौन है, यात्री बैठ जाते हैं बस, अभी
बाकी दोस्तों हमने चेंज कर दिया और बैठ गए हैं यहाँ पे। भाई जी हमारे ठंडा रहे हैं यहाँ पे, ये है गीला, अब बैग में जितने कपड़े हैं वो भी हैं गीले। अब गाड़ी बताने कब तक मिलेगी, तब तक हम यहाँ पे बैठ गए चाय चुई पी रहे हैं भाई जी की दुकान में। गरम गरम चाय आएगा, ये जो चाय पी नहीं रहा था कल से, अब इसको भी चाय की यहाँ पे तलब लग गई। बात सो अब दोस्तों कुछ ज़्यादा ही टाइम हो चुका है हमको खड़े खड़े यहाँ पे, अभी टाइम हो रहा है 3 बज गए हैं अब और हम यहीं फंसे हैं। 1 बजे आ गए थे हम यहाँ पे और अब 3 हो गया, 3 ना 2:30 फिर भी 1.5 घंटा तो होगी, तो 1.5 घंटा हो गया हमको यहाँ खड़े खड़े और हम यहाँ ठंडे से थकरा रहे हैं। हम सब कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि जितनी भी यहाँ पे एक और गाड़ी आई सब बोल रहे हैं कि बुकिंग में जाएंगे नीचे। यहाँ पे हवा चल रही है, सबसे बेकार बात हवा चल रही है जिस कारण हमको ठंडा और ज़्यादा लग रहा है। हमको 4 बजने वाली हैं, हम यहीं पर फंसे। ये बेचारा भी आ गया ऊपर से ले, हम ठंडे आ रहे तो भी भूख से मर रहा होगा, ठंडे आ रहा होगा ले मीठा ही है तो वैसे देना नहीं चाहिए डॉगों को मीठा, बट हम पे वही है खाने के लिए। अरे हवा रुकने का नाम ही नहीं ले रही है भाई, सो कितनी तेज़ हवा चल रही है, हवा देखो कितनी तेज़ चल रही है और रुक ही नहीं रही है पिछले 3 घंटे से। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर तो दोस्तों फाइनली हमको एक गाड़ी मिली, बट ऑलमोस्ट हमको वही करना पड़ा बुक वाला सीन। और 4 बज चुके हैं अभी, हम लोग ऐसे ज़्यादा वेट हम कर भी नहीं सकते और यहाँ रूम लेके कुछ सेंस बन नहीं रहा था क्योंकि ऑलमोस्ट उतना ही हो जाता रूम लो 1000 रुपये का रूम, उसके बाद खाना पीना तो 1500-1600 रुपये वैसे हो रहा था हम बुकिंग का भी सिस्टम। और कितनी तेज़ चल रही है हवा, ये सबसे दिक्कत वाली बात है हवा के, हवा के टाइम में डर लगता है दोस्तों। वहाँ पर देख रहा हूँ बर्फ़ पड़ रखी है अभी अभी ताजी ताजी आज वहाँ पर, तो अच्छा हुआ कि हम लोग आगे टाइम पे नीचे, वरना आज तो ठंडे से पूरे हाल हो जाते वहाँ, आज ही बर्फ़ गिरी होगी वहाँ बारिश में। तो चलो भाई साहब हमारा ट्रिप सही टाइम पे शुरू होकर ख़त्म हो गया, भाई साहब बर्फ़ भी बहुत गिर रखी है। अरे यू भीतर करना क्यों तू भीतर ही नहीं करियो, बहुत धन्यवाद है भाई। दोस्तों अब हम जा रहे हैं ट्रक पे, ऐसा होता है ट्रक में जो खड़े हैं ऐसा होती है सफर करने में मजा आ जाती है। जा जी जा, अरे चलो जी। तो दोस्तों अभी हम रुक रखे हैं, जिनका ये ट्रक है वो थोड़ा सामान अपना वो अनलोड कर रहे हैं, कुछ कर रहे होंगे पता नहीं। तो हम सोच रहे हैं इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड क्योंकि घर जाएंगे, वहाँ पे पहुँच के हमने एंड ही करना है वीडियो को, सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सो इस वीडियो में आपने देख लिया होगा अलग अलग हमको एक्सपीरियंस मिल चुका है क्योंकि पहली बार हम ऐसे किसी ट्रिप में गए जहाँ हम ऐसे निकले हैं, तो हमको लोकल गाड़ी का इतना अलग से जहाँ हम जाने रखे थे वहाँ का एक्सपीरियंस, प्लस गाड़ी के छत में बैठ के घूमने का एक्सपीरियंस, प्लस 4 घंटे वेट करने का और साथ में लास्ट में ऐसे ट्रक में घर जाने का एक्सपीरियंस, मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंस मिले। ऑल द बहुत मज़ा आया हमें जो भी। एम बिनवाल जी बताओ जी कैसा लगा, मतलब इसी यही बहुत बोल रहा था कि चलो 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 मधमेश्वर चलो, तो फाइनली हम आ गए और ऑल द हमको अच्छा लगा, मज़ा आया। जितना भी हम घूमे जितना भी हम रहे तो हमको बहुत मज़ा आया। अब घर जाएंगे सो जाएंगे अच्छे से, दोबारा एनर्जेटिक होंगे फिर से जाएंगे आप लोगों के लिए अच्छे से ट्रिप पे और वहाँ रिकॉर्ड करके आपको दिखाएंगे। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गुड नाइट। होप सो मज़ा आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर पक्का कीजिए और अपना प्यार दिखाइए। हम मिलते हैं आपको अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टाटा।